अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शर्मनाक, अजीब और हैरान कर देने वाला वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक आशिक रीच की, जो एक गांव की लड़की पर आशिक हो गया और उसके पेट और तलवों को चाटने लगा। उसने उस लड़की के साथ जो किया उसे देख सारा गांव हैरान रह गया। जो लड़की पहले बचाओ बचाओ कर रही थी, बाद में उस रीच से अलग भी नहीं होना चाह रही थी। ये कहानी एक सच्ची है और काफी पुरानी भी है। इसको जिसने सुनाया है उसकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब पार कर चुकी है। एक गांव में एक साल ये घटना घटी थी। उस गांव में एक मदारी आता था, जानवरों के खेल दिखाकर लोगों का दिल बहलाया करता था और अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास एक रीच, एक बंदर और एक बकरी थी। पहले जमाने में खेल तमाशे दिखाकर ही लोग अपना दिल बहला लिया करते थे। मोबाइल का चलन तो था नहीं, काला टीवी तो था, मगर वो भी कहीं कहीं था। मदारी का काम उस इलाके में खूब चल निकला था। वो बंदर से कहता, बंदर उन सब लोगों को सलाम करो, तो बंदर झट माथे पर हाथ रखता और पूरी भीड़ यानी देखने वालों को सलाम करता था। कभी कभी एक टांग पर खड़ा होकर नाचता, लोग उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से देखते। बकरी से कहता कि अपनी दोनों टांगें ऊपर उठा और दो पैरों पर खड़ी होकर दिखा। बकरी भी एकदम अपनी दोनों टांगें उठाकर दिखाती थी। मदारी के पास एक रीच भी था। वो सारे जानवरों में सबसे खास था, जिसे देखने के लिए ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी होती थी। वो मदारी का सिखाया हुआ था, बड़ा तगड़ा और झबरा रीच था। मदारी रीच को हुक्म देता और कहता कि लोगों को नाच नाच कर खूबसूरत नाच दिखा, तो मदारी के इशारे पर मस्त होकर रीच नाचने लगता था। रीच की नाक में एक नकेल डाल रखी थी, जो रस्सी की मदद से बंधी थी। मदारी उस रस्सी के जरिए से रीच को काबू में करता था। मदारी अपना खेल वहां दिखता था जहां आसपास ज्यादा मकान होते थे। एक बार गांव में घरों के बीच में वो मदारी तमाशा दिखा रहा था। उन घरों में बिल्कुल सामने जो घर था वो बहुत पुराना घर था। उसमें एक मियां बीवी रहते थे। उनकी शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। वो लड़की उस घर में नई नई बहू आई हुई थी। वो भी मदारी के डमरू की आवाज सुनकर मकान की छत पर औरतों के साथ आ गई, क्योंकि छत पर गांव की छोटी बड़ी लड़कियां भी आ जाती थीं और अपनी अपनी छत से मदारी के जानवरों तमाशा देखा करती थीं। वो बहू जो नई नई आई थी, उसका नाम शबाना था। बहुत खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद, लंबे घने काले बाल, गोरा चीटा रंग, गांव में वो बहुत ही हसीन औरत थी। शबाना को मदारी के खेल तमाशे देखने का बड़ा ही शौक था। जैसे ही मदारी अपनी डुगडुगी बजाता हुआ दाखिल होता था, वो भी भागती हुई छत पर आ जाती और छत की मुंडेर के साथ लगकर खड़ी होकर मदारी के जानवरों का तमाशा देखती थी। शबाना की उम्र 18 या 20 साल की थी। लड़की का अभी बचपना पूरी तरह से गया भी नहीं था। उसका बहुत मन करता था कि वो तमाशा देखे, मगर उसके शौहर ने उसे इतनी इजाजत नहीं दे रखी थी कि वो घर से कदम बाहर निकाले। ये एक सर्दी की शाम की बात है। उस दिन मदारी दोपहर में ही अपना खेल दिखाने गांव में अपनी जगह पहुंच गया। उसने अपनी डुगडुगी बजानी शुरू की। इधर उस लड़की शबाना ने जब मदारी की डुगडुगी की आवाज सुनी तो वो अपनी छत की तरफ दौड़कर आई। मदारी ने पहले बंदर का और फिर बकरी का तमाशा दिखाया, फिर उसने रीच का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया था। रीच मस्त होकर नाच रहा था। शबाना भी रीच को नाचते हुए देखकर बड़ी खुश हो रही थी। उसने ऐसे खेल तमाशे कभी अपने गांव में नहीं देखे थे, क्योंकि उसका मायका दूर दराज था। रीच का नाचना उसे बड़ा अच्छा लगता था। उस रीच ने नाचना शुरू किया तो लोगों ने इनाम के तौर पर पैसे फेंकने शुरू कर दिए थे। नाचते नाचते रीच की नजर छत पर खड़ी उस शबाना पर जा पड़ी। वो तो 18-20 साल की नई बहू थी, खूब सजी धजी खड़ी थी। रीच ने जब उसे देखा तो नाचते नाचते रुक गया और रीच की निगाहें शबाना पर जम सी गईं। उसने अगले दोनों पैर उठाकर जुबान निकालना शुरू कर दी, अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो रुककर उसे ही देखता रहा, जैसे वो उसकी कोई खास हो। उसका दिल लड़की पर आ गया था। मदारी ने समझा, शायद मेरा रीच नाचते नाचते थक गया है, इसलिए उसने खेल खत्म होने के लिए कह दिया। मदारी ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया
और अपने जानवरों को रस्सी से बांधकर उन्हें हांकता हुआ वहां से चला गया। घर आकर मदारी ने रीच को खाना दिया, लेकिन वो रीच किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब वो रास्ते से गुजरता उस लड़की की छत को बार बार देखता था, वो रीच उस घर की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो मदारी भी उस रात उसी इलाके के पास बाहर खेत में बिताने के लिए वहीं ठहर गया। आधी रात हुई तो रीच बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था उसे किसी की जरूरत हो। आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रीच बहुत परेशान था, लेकिन मदारी उसे देख देख कर उससे भी ज्यादा परेशान था। मदारी सोचता, आज इसे क्या हो गया? ये पहले तो ऐसी हरकतें कभी ना किया करता था। फिर मदारी की आंख लग गई। रीच ने अपनी रस्सी को काटनी शुरू कर दी। वो रस्सी काटकर भाग निकला। उसे अच्छी तरह शबाना के घर पता हो गया था। फिर वो रात में ही उस पुराने मकान के सामने पहुंच गया, जहां उसने छत पर उस खूबसूरत हसीन शबाना को देखा था। तो वो घर के दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसने दरवाजे को देखा और दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया। अगले दोनों पैरों से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर रीच ने दरवाजे पर पंजे मारने शुरू कर दिए। दरवाजे की आवाज सुनकर शबाना का शौहर उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है, देखूं तो सही। वो दरवाजे के पास आया और बिना दरवाजा खोले ही पूछा, कौन है भाई? मगर बोल तो कोई नहीं रहा था, मगर दरवाजे के पीटने की आवाज लगातार आ रही थी। उस लड़के ने जैसे ही कुंडी खोली तो सामने रीच को देखकर वो घबरा गया। उसके तो होश गुम हो गए थे। इससे पहले वो कुछ सोचता, रीच ने एक जोरदार पंजा पहले तो शबाना के शौहर के मुंह पर दे मारा, जिससे शबाना का शौहर गिर गया। लेकिन तभी वो एकदम उठ गया। उसके बाद वो रीच अंदर घुस गया। शबाना का शौहर दर्द से चीख पड़ा, लेकिन वो रीच घर में घुस गया। लड़का दर्द से तड़पता हुआ पागलों की तरह रीच के पीछे दौड़ा, मगर रीच कमरे में दाखिल हो चुका था। रीच ने शबाना को उठाया और वहां से चल पड़ा। रीच अब बड़ा खौफनाक लग रहा था। उस रीच को देखकर लड़के में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो रीच को रोक सके। रीच शबाना को उठाकर कमरे से निकाला और बाहर जंगल की तरफ चला गया। शबाना बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, रीच से छूटने के लिए छटपटा रही थी। लड़का भी बाहर आकर चीखता रहा, मगर रात में गली सुनसान थी। रीच उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ गायब हो चुका था। फिर लड़के ने अपने कुछ पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटाया और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। फिर कुछ लोगों ने लाठियां उठाई और उन लाठियां पर कपड़ा लपेटकर तेल में भिगो लिया, क्योंकि गांव के लोग जानते थे रीच लाठी डंडों से तो भागने वाला नहीं है, लेकिन आग से जानवर डर जाते हैं। रीच के पीछे खेतों की तरफ दौड़े लोगों को पता था कि वो मदारी कहां ठहरा है। वे मदारी के पास पहुंचे तो देखा कि मदारी तो सो रहा है और उसका रीच पास नहीं है। वो लोग लड़की के चिल्लाने की आवाज की तरफ दौड़कर चल दिए। गांव के लोगों को लड़की के चिल्लाने की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन जब गांव के लोग उस लड़की के पास पहुंचे तो जो मंजर उन लोगों ने देखा, देखकर सबके होश उड़ गए। उन लोगों ने देखा कि रीच ने लड़की को एक जगह पर लिटा रखा था और उसके पांव के तलवे चाट रहा था, कभी पेट को जबान से चाट रहा था, जो लड़की पहले बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन अब वो आंखें बंद करके लेटी थी, रीच को ना हटाने की कोशिश कर रही थी और ना ही हटना चाह रही थी, बल्कि रीच के सर पर हाथ फेर रही थी। एक आदमी ने कहा, भाई कुछ भी करो, पर ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि ये रीच बहू को कोई नुकसान पहुंचा दे। एक आदमी भागकर मदारी के पास गया और चुपके से मदारी को जगाया। मदारी उठा तो लोग को देखकर सोच में पड़ गया। जब उसे सब पता चला तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा, मैं तो रीच का मालिक हूं, उस लड़की को आसानी से रीच से छूटा लूंगा। मगर मदारी जब लड़की के करीब पहुंचा तो रीच उसे भी मारने को दौड़ा। मदारी ने भाग कर जान बचाई। रीच तो जैसे उसे लड़की के चक्कर में पागल हो गया था। मदारी भी बड़ा हैरान हुआ। अब कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े, रीच सबकी तरफ मारने को भी मुड़ा, तो कुछ लोगों ने रीच पर लाठियों से हमला बोल दिया और लड़की को वहां से छुटा लिया। मगर कमाल की बात तो ये थी, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, लेकिन लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे वो छूटना ही ना चाह रही हो, लेकिन फिर भी रीछ पर काबू पाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। गांव के लोग रीछ को जान से मारना चाहते थे, मगर मदारी हाथ जोड़कर बोला, मेरे पेट पर लात मत मारो। लोगों ने मदारी को उसी वक्त वहां से चले जाने को कहा और शबाना को धमका कर घर ले आए। मदारी सुबह होने से पहले वहां से चला गया। अब वो दूसरे गांव में तमाशे दिखाता, खेल दिखाता, बंदर नचाता, बकरी का भी खेल दिखाता, रीछ भी नचाता। मगर मदारी को उस इलाके में अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, उसे वहां से जाने का बड़ा दुख था। फिर मदारी ने सोचा, अब तो उस बात को बहुत दिन गुजर चुके हैं, क्यों ना मैं अब वहीं जाकर तमाशा दिखाऊं। उस घटना को तो लोग शायद भूल चुके होंगे। दूसरे आसपास के गांव में उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जितने उस इलाके में मिलते थे। मदारी से रहा नहीं गया, वो फिर बहुत दिन बाद उसी गांव में तमाशा दिखाने आ गया। कुछ लोगों ने उसे रोका भी, मगर कुछ ने तमाशा देखने की जिद की तो उस मदारी ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन रीछ अब भी नाचता नाचता रुककर उसी मकान की तरफ देखता था, मगर उसे छत पर वो लड़की दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसके शौहर ने उसे खास हिदायत दी थी, अब वो कभी भी छत पर ना आ जाए। खासकर जब मदारी खेल दिखाने के लिए गांव में आए, अब वो रीछ नाचते नाचते एकदम से उस मकान की तरफ भाग पड़ा। उसने उस मकान के दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो खुल गया, क्योंकि दिन ही था, कुंडी तो लगी नहीं थी। अंदर शबाना सहन में रोटी पका रही थी, उसका शौहर भी वहीं बैठा था। रीछ को देखकर दोनों मियां बीवी ने जल्दी से अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, घबराहट में कुंडी ढंग से ना लगा सके। शबाना को उसके शौहर ने कमरे में रखे एकू संदूक में बंद कर दिया। तब तक रीछ ने जोर जोर से धक्का देकर कमरे के दरवाजे को भी खोल लिया। बाहर भी अफरा तफरी मच गई थी। रीछ इतना खतरनाक हो गया था कि किसी की हिम्मत पास आने की भी नहीं हो रही थी। वहां खेल दिखाने से मना करने वालों ने मदारी को बाहर ही दबोच लिया और खूब पिटाई की। रीछ ने शबाना के शौहर पर हमला कर दिया। उसने अपने अगले दोनों पंजों उसकी गर्दन में घुसा दिए, जहां से खून निकल पड़ा। वो तो वहीं गिर पड़ा, मगर रीछ पागल होकर उसी कमरे में इधर उधर घूमता रहा। फिर वो सूंघता हुआ संदूक पर जा बैठा। वो जोर जोर से संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा। संदूक कभी दाएं कभी बाएं पटकता था, मगर अच्छा हुआ संदूक नहीं खुला। अंदर शबाना का सर संदूक से लगकर जख्मी हो रहा था। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। थोड़ी देर रीछ ने संदूक के साथ उठा पटक की, मगर फिर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। शबाना के शौहर ने उसे मारना चाहा, लेकिन रीछ ने दोबारा उस हमला किया, मगर वो बड़ी मुश्किल से बचकर एक तरफ हट गया। फिर रीछ थोड़ा ठंडा हुआ और झटके से नीचे उतरा तो संदूक पलट गया, संदूक खुल गया, मगर अंदर शबाना बेहोश पड़ी थी। रीछ ने उसे सूंघा और उसके बदन को जुबान से चाटा तो उसे ये यकीन हो गया कि अब ये मर चुकी है, लेकिन वो रीछ अब भी खामोश होकर वहीं बैठ गया। उसने अपने अगले पंजों में अपना सर रख लिया, जैसे उसके मरने का दुख मना रहा हो। फिर कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर खड़े थे। जब उन्हें भी आवाज आनी बंद हो गई तो वे डरते डरते घर में दाखिल हुए और उन्होंने रीछ पर एक साथ कुल्हाड़ी बरसानी शुरू कर दी, लेकिन रीछ ने उफ तक नहीं की। उन लोगों ने रीछ को मार मार कर उसका खात्मा कर दिया। मदारी इस बार भी हाथ जोड़ता रहा, पांव पड़ता रहा, मगर लोगों ने अब की बार उसकी एक न सुनी। फिर रीछ काम तमाम हो गया। इस तरह आशिक रीछ का खात्मा हुआ। फिर गांव के सारे लोगों ने मिलकर उन मियां बीवी को एक बड़े हकीम के पास ले गए। कुछ दिन इलाज करने के बाद वो सेहतमंद हो गए, लेकिन शबाना के शहर को पता चल चुका था। शबाना उस रीछ के पास से उस दिन आना नहीं चाह रही थी और वो इस बात पर उसको ताने भी देता था। कुछ दिन गुजरे थे, रीछ लोगों के ख्वाब में आता उस लड़की के दरवाजे पर पंजे मारता। ऐसा ख्वाब बहुत से गांव वालों ने देखा। फिर एक जगह इकट्ठे होकर किसी के पास गए। उसने ने कहा, रीछ की जान उस लड़की के चक्कर में गई है। ये वाकया सारे गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था। रीछ की मोहब्बत सबको एक सबक दे गई कि जान देना आसान था, लेकिन जिस मोहब्बत हुई उसे छोड़ना मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।